hands concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame, a past we simply let fade. But I don't close the door, waiting a chance for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तजम्मल हुसैन है और आप देख रहे हैं पीफोफोन यूट्यूब चैनल। यह है रियल मी वॉच। सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, बाद में बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। यह है रियल मी वॉच का बॉक्स, जो कि रियल मी के येलो ब्रांडिंग की तरह बिल्कुल येलो है और फ्रंट पर आपको रियल मी वॉच बनी देखने को मिल जाती है। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे आपको कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई है, जिसमें लार्ज कलर डिस्प्ले, वॉच टैप रिप्लेसमेंट, डेली एक्टिविटी ट्रैकर, SPO2 मोनीटर, 24/7 हार्ट रेट मोनीटर और 14 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। चले अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं कि रियल मी वॉच देखने में कैसी है। बॉक्स को ओपन करते साथ ही सबसे ऊपर आपको आपकी रियल मी वॉच देखने को मिल जाती है। वॉच को निकालते हैं बाहर और देखते हैं कि वॉच के साथ साथ आपको इस बॉक्स में क्या देखने को मिलेगा। ये है जी रियल मी वॉच, जो कि आती है ब्लैक स्ट्रैप के साथ में। आप आफ्टर मार्केट काफ़ी सारे स्ट्रैप लेकर इसे लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है लगाना। वॉच को रखते हैं साइड पर, पहले देखते हैं बॉक्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। बॉक्स में आपको एक चार्जिंग डॉक देखने को मिलता है, जो कि एक आपको वायरलेस चार्जिंग वाली फीलिंग देता है और मुझे ये डॉक सबसे पसंद आया इस वॉच का। और इस डॉक को आप किसी भी चार्जर या पावर बैंक के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ में आपको एक यूज़र मैनुअल भी देखने को मिल जाती है। जिसने पहली बार कोई स्मार्ट वॉच ली है, उसके लिए लाजमी है पढ़ना। भैया पढ़ लीजिएगा, पढ़ता तो कोई नहीं है लेकिन वैसे भी पढ़ लीजिएगा, अच्छी अच्छी बातें काफ़ी लिखी होंगी अंदर। वॉच को करते हैं ऑन, और ऑन करने का सिंपल स्टेप है भाई, पावर ऑन बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस किए रखना है, आपकी वॉच ऑन हो जाएगी। और ऑन होते ही भाई बहुत ही अच्छा फीडबैक आता है भाई, काफ़ी अच्छी वाइब्रेशन मोटर्स में देखने को मिलती है। इसके बाद इसको सेटअप करना बहुत ही ईजी है, आपने लैंग्वेज इंग्लिश सेट करनी है। इसके बाद आपको QR कोड स्कैन करना पड़ेगा, जो कि रियल मी लिंक ऐप के साथ में होगा। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो भाई प्ले स्टोर पर जाके आप रियल मी लिंक ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें आपको ये कनेक्टिविटी बहुत ही ईजी देखने को मिल जाती है। रियल मी लिंक ऐप को मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है और रियल मी लिंक ऐप अभी एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, आप इसे iOS में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए ओपन करते हैं रियल मी लिंक ऐप को और कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको रियल मी वॉच कैसे कनेक्ट करते हैं इससे। जब आप पहली बार रियल मी लिंक ऐप इंस्टॉल करेंगे तो भाई उसमें आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, बहुत ईजी है, वो बना लेंगे। उसके बाद आपने इसमें QR कोड को स्कैन करना है, तो भाई QR कोड स्कैन करते ही आपकी डिवाइस के साथ में आपकी रियल मी वॉच कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ही आप QR कोड स्कैन करेंगे तो आपकी Realme स्मार्ट वॉच पर एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको आपने कंफर्म करना है। थोड़ी देर बाद आपकी वॉच आपके मोबाइल फ़ोन के साथ में कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ही आपकी स्मार्ट वॉच आपके मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट होगी तो कुछ मोबाइल फ़ोन आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा, जैसा कि आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपका वेट, आपकी हाइट, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपने उसको दे देनी है। जैसे ही मैंने इस वॉच को ऑन किया तो भाई इसमें अपडेट आई हुई थी, तो मैंने इस वॉच को अपडेट भी कर दिया। और ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि Realme की वॉच में जैसे ही आपको कोई भी बग देखने को मिलेगा या फिर आपको इंटरफेस नए चाहिए, तो भाई अपडेट के साथ में आपको काफ़ी सारे इंटरफेस भी देखने को मिलते रहेंगे। Realme वॉच के अगर डिस्प्ले की बात करें तो उसमें आपको 1.4 इंचेस का 320x320 का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि एक टच डिस्प्ले है और इसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। Realme वॉच में आपको काफ़ी सारे वॉचेस इंटरफेस भी देखने को मिलते हैं और Realme ये भी क्लेम करता है कि भाई आपको बहुत जल्द अपडेट के जरिए काफ़ी सारे और भी इंटरफेस भी देखने को मिलने वाले हैं। वॉच में आप सिर्फ 6 से 7 इंटरफेस सेव कर सकते हैं और इससे ज़्यादा अगर आप इंटरफेस चेंज करना चाहते हैं तो भाई Realme लिंक ऐप से आप कोई भी इंटरफेस लगा सकते हैं। अगर आप कोई अपनी पिक्चर्स भी लगाना चाहते हैं तो भाई जैसा कि मैंने लगाई हुई, तो भाई डिस्प्ले पे वो भी लगा सकते हैं। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है, नीचे से ऊपर अगर स्वाइप करते हो तो आपको कुछ मोड्स देखने को मिल जाएंगे।
ऊपर से अगर नीचे स्वाइप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट से राइट स्वाइप करेंगे तो आपको काफी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे। इन सेटिंग में नाइट मोड, राइज योर हैंड का ऑप्शन, ब्राइटनेस और साथ में अल्ट्रा पावर सेविंग मोड देखने को मिलता है। अल्ट्रा पावर सेविंग मोड में आपको काफी अच्छी बैटरी टाइमिंग देखने को मिलने वाली है और इसको एग्जिट करने के लिए आपने पावर ऑन बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस किए रखना है। अगर आप राइट टू लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आपको काफी सारे गैजेट्स देखने को मिलेंगे जिसमें वेदर, स्लीप, हार्ट रेट मॉनिटर और आपकी एक्टिविटीज देखने को मिल जाएंगी। और कहीं भी आपको लगता है कि आपने बैक जाना है तो भाई बैक बटन आपको पावर ऑन ऑफ बटन उसको एक बार प्रेस करना तो आप बैक आ जाएंगे। Realme Watch में 12 से ज़्यादा आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं जिसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। आपने Realme Watch को नीचे से ऊपर स्वाइप करना है और सबसे ऊपर आपको वर्कआउट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, वो फोल्डर को ओपन करना है तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारे फंक्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आपको योगा, क्रिकेट, आउटडोर, इनडोर रन, आउटडोर रन, वॉक, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जो भी आपने करना है उस पर क्लिक करके आपने उसको गो कर देना है। उसके बाद आपने कितनी कैलोरीज बर्न की, आपकी ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर आपने वॉक की है, आपकी हार्ट बीट क्या है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। Realme Watch में आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं और इसमें आपको कोई स्पीकर तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसकी मोटर की हैप्टिक फीडबैक बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको आराम से आप सोए भी होंगे तो जगा देगी। और इस वॉच में एक कैमरा का ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इसमें आपको बेसिकली एक कैमरा शटर बटन देखने को मिल जाता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन पर किसी भी ट्राइपॉड पर लगाकर अपनी पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। ट्राइपॉड पर लगाएं अपने मोबाइल फ़ोन को और इसमें कैमरा का ऑप्शन को ऑन करें और जस्ट आपको जो शटर बटन देखने को मिलता है उसको प्रेस करें तो आपकी पिक्चर खुद ही कैप्चर हो जाएगी, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर लगा मुझे। और इस वॉच में आपको फाइंड माय फ़ोन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे अगर आपका मोबाइल फ़ोन आपके ब्लूटूथ की रेंज में तो आपने फाइंड माय फ़ोन पर क्लिक करना है तो आपके मोबाइल फ़ोन पर बेल रिंगिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर लगा मुझे। और Realme Watch IP68 की वाटर रेजिस्टेंट के साथ में आती है, तो भाई अगर आप वजू वगैरह करना चाहते हैं तो आप इसको पहन के कर सकते हैं। स्विमिंग करना चाहते हैं तो भाई स्विमिंग ही कर सकते हैं, इसको पानी से कोई भी मसला नहीं होगा। Realme स्मार्ट वॉच में आपको 160 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है और बैटरी कैपेसिटी का जो Realme क्लेम करता है वो 7 से 9 दिन के दरमियान में है। अगर आपका हार्ट रेट सेंसर कंटिन्यूसली चलता रहता है तो 7 दिन आपको बैटरी टाइमिंग देखने को मिलेगी। अगर आप हार्ट रेट सेंसर को ऑफ कर देते हैं तो भाई 9 दिन बैटरी टाइमिंग देखने को मिलेगी। और अगर आप अल्ट्रा पावर सेविंग मोड में यूज़ करते हैं तो 20 दिन आपको पावर सेविंग मोड में देखने को मिल जाएगी। और इसको चार्ज करना भी इतना मुश्किल नहीं है, आपको जो चार्जिंग डॉक दिया गया आपने अपनी कहलाई से घड़ी को उतारना है और आपने चार्जिंग डॉक पर रख देना है, खुद ही चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। Realme Watch में आपको कोई भी स्पीकर देखने को नहीं मिलता, ना ही आपको कोई माइक्रोफोन देखने को मिलता है। मतलब आपकी कॉल आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा लेकिन आप अपनी कॉल नहीं सुन पाएंगे घड़ी से। और Realme Watch में आपको राइज योर हैंड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे ही आप अपना हाथ ऊपर की तरफ टाइम देखने के लिए लाएंगे तो आपकी वॉच का डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ओवरऑल अगर इस वॉच की बात करें तो भाई वॉच बहुत ही अच्छी है भाई, काफ़ी अच्छा काम करती है और काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर इसमें स्पीकर और माइक्रोफोन होता तो वॉच के भाई पैसे पूरे हो जाते। पैसों की बात हो रही है तो भाई प्राइस की बात कर लें। आज के दिन पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है, अभी प्राइस कंफर्म नहीं है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भाई प्राइस इतना कहा जा सकता है कि 10,000 के अराउंड कहीं होने वाली पाकिस्तान में। और अगर आप Realme Watch को भाई बाय करना चाहते हैं तो भाई smart.pk पर 24 अगस्त को सेल लग रही है जिसमें आपको स्मार्ट वॉच भी देखने को मिलेगी और इस पर डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपने अगर चेक करना है तो भाई लाजमी चेक कीजिएगा। Realme स्मार्ट वॉच का आपको सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक कर देना अच्छी लगी हो तो, चैनल पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।